मुझे उनके साथ आगे बढ़ने में ज्यादा मजा आती है जो ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, क्योंकि मुझे वो लोग बताएंगे कि ग्रो क्या करना है। हालांकि उनको बताना नहीं आता कि उन्होंने कैसे किया। हर कोई अच्छा स्टोरी टेलर नहीं होता, हर कोई अपनी लाइफ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट वो एग्जांपल्स क्रिएट कर सकता है। हमारे पास है आज एग्जांपल्स, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आज हुए हैं। कई लोग दिखने में एकदम सिंपल होते हैं, बट दे आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इन देयर लाइफ। सबसे पहले आपको क्या इंप्रेस करती है? पर्सनालिटी। अच्छा आप मुझे सुनो, कितने लोग मेरी बात मानेंगे? दो को नहीं मानेंगे, क्योंकि दो 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 जनों के लिए मैं दाल बड़ा करूं है जो दो जने को मैं वो उन्होंने सुन भी लिया समझ भी लिया। बट आप मुझे बताओ कि आप मुझे क्यों सुनो, व्हाई, और क्यों मेरी बात मानोगे? क्योंकि आप हेल्प करोगे हमको के कैसे ग्रो करना है और अचीव कैसे करना है अपने। यू विल एक्ट लाइक ए कैटलिस्ट इन बिटवीन। यू हैव अचीव्ड एंड सो तो अकॉर्डिंग टू यू आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे मैंने कुछ अचीव किया इसलिए मैं यहाँ पर, राइट, और इसीलिए आप मेरी बात सुनेंगे। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो आप मेरी बात सुनेंगे। आप इंसान पे तभी बिलीव करोगे जब वो रिजल्ट दिखाए उसका। आप पे भी लोग तभी बिलीव करेंगे जब आप रिजल्ट, अगर आप रिजल्ट नहीं दिखाओगे, आपके रिजल्ट नहीं दिखाओगे तो आप पे विश्वास नहीं किया जाएगा। मैं आपको मेरा रिजल्ट डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अपने माइंड को ओपन करें कि यहाँ पे जो कुछ भी आने वाला है या तो मैंने देखा या तो मैंने नहीं देखा। अगर कोई नया बच्चा स्कूल में जाता है तो क्या करता है? एग्जैक्टली ऑब्जर्व करता है, और क्या करता है ऑब्जर्व करने के बाद क्या करता है? अच्छा सीखता है, रिस्पॉन्ड करता है। आपको दो ही चीज करनी है, ऑब्जर्व करना है एंड रिस्पॉन्ड करना है। गलती से भी रिएक्ट मत करना। रिएक्ट कौन करता है? जहां चीजें इंबैलेंस लगने लगती है वहां पे हम रिएक्शन देते हैं। गुस्से का रिस्पॉन्ड होता है या गुस्से का रिएक्शन होता है? रिएक्शन होता है। तो कोई भी नेगेटिव चीज जब आती है ना तो उसका रिएक्शन होता है। रिएक्शन पे बिलीव मत करना, उसका निकाल दो। रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि जिस फील्ड में हम लोग है ना, हम यहाँ पे नेटवर्क बना के चलते हैं, डेवलपिंग करके चलते हैं, डुप्लीकेट करके चलते हैं, और जब हम किसी चीज को डुप्लीकेट करते हैं तो वो रिटर्न अपने पास आती है। तो अगर आप स्माइल डुप्लीकेट करोगे तो आपके पास स्माइल आएगी, आप रिस्पॉन्ड डुप्लीकेट करोगे तो रिस्पॉन्ड आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ? बताइए सर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ? फैमिली आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्लीज व्हाट्सएप। अगर आप भी नहीं होंगे कुछ तो आप किसी को ज्ञान दोगे? आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हो या आप अपनी लाइफ में अपनी इंपोर्टेंस कैसे डेवलप कर सकते हो, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज हम लोग नहीं सोचते। हम क्या चाहते हैं कि हम इतनी मेहनत करें कि फैमिली को अच्छा खाना दे, हम इतनी मेहनत करें कि फैमिली को अच्छा घर दे, अच्छी गाड़ी दे, अच्छा एजुकेशन दे, हम इतनी मेहनत करें कि हमारे आसपास रहने वाले जो लोग हैं सब लोग हमसे खुश रहे। बट हम खुद के लिए क्या क्या हम खुद के लिए कुछ नहीं करते। सबसे पहले खुद का डेवलपमेंट करना जरूरी है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन योरसेल्फ इज इंपॉर्टेंट।
तो खुद का ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हुआ? चेंज। चेंज। और आपने ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा जब आप किसी को कुछ दोगे। आपके अंदर देने की भावना कैसी है उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्मेशन इट्स इंपॉर्टेंट। अब चीज ये है कि आप ट्रांसफॉर्म क्यों होना चाहिए। बेटर वर्जन और ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए और हाउसर फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। और इसलिए भी कि पहले जो करते आए थे उसमें कुछ वो नहीं हुआ, कुछ वही वही सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला वो हो गया, कुछ और सा किक नहीं मिली। और कुछ भागवत गीता में ना एक बहुत ही अच्छी बात है, अर्जुन ने अर्जुन से भी कही, ये भागवत गीता की 4-5 बार रिपीट हुई है, परिवर्तन परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर आप परिवर्तन नहीं करोगे तो आपकी लाइफ वहीं की वहीं रुकी रह जाएगी। मौसम बदलते हैं, मोटापा आता है, मेहनत करते हैं पतले होते हैं, बीमारी आती है बीमारी जाती है, बाल काटते हैं फिर उग जाते हैं, परिवर्तन बार बार होते हैं, परिवर्तन करना जरूरी है। लेकिन इसीलिए जो कुछ भी पीछे छूट गया है उस पर शोक मनाने की वजह है, जो आपके पास है उसका आनंद उठाओ, जो हम लोग अक्सर नहीं करते। सर मैं बोल रहा हूँ ना, 1% भगवान तो होंगे अपने अंदर। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां हम कनेक्ट करते हैं और जहां हम कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कहीं कनेक्ट करते हैं और कहीं डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन परिवर्तन करना जरूरी है। परिवर्तन आपने कैसे किया, आप कैसे लाइफ में परिवर्तन करना चाहते हो, आप खुद की लाइफ में कैसे चेंज लाना चाहते हो, आप दूसरों की लाइफ में कैसे चेंज लाना चाहते हो, और आप आपके आसपास की लाइफ में, आसपास के एटमॉस्फेयर में, आसपास का जो माहौल आपके पास है उसको कैसे चेंज करना चाहते हो, वो इंपॉर्टेंट है। कौन यहां से हिंदी मीडियम या गुजराती मीडियम में कौन कौन पढ़ा है? गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम में बच्चे गए? नहीं, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो आप तो बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालोगे, यस राइट। लेकिन गुजराती वाले आज इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम सर, इंग्लिश मीडियम बच्चे आपके ओके है नहीं, बच्चे अभी जाएंगे तो कहां जाएंगे, इंग्लिश में जाएंगे, इंग्लिश मीडियम में जाएंगे, क्यों? ग्लोबल लैंग्वेज है, अपन को पता चला कि वो अपग्रेड है। अगर वहां जाएंगे तो इजी कम्युनिकेशन हो जाएगा फ्रॉम द वर्ल्ड, और हम अपने भविष्य को, जो हमारा भविष्य है उनको अपग्रेड करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। एबीसीडी 8वीं में स्टार्ट हुई थी, 8 में जब हम लोग तो आधे ग्रेजुएट हो गए थे। चीजें क्या है, हमारे पास जो चीज है हम उसमें कंफर्टेबल थे उस टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन आज का टाइम उतना स्लो नहीं है। 2 साल के अंदर लोग कहते हैं कि 10 साल पीछे चले गई है इंडिया, लेकिन मैं कहता हूं कि इस 2 साल के अंदर 20 साल आगे पहुंच गया इंडिया। पूरा डिजिटलाइज हो गया है। अब डिजिटलाइज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद को अपग्रेड रहना पड़ेगा और अपडेट करते रहना पड़ेगा।